मूवी शुरू होती है बच्चों की एक खेल से जिसका नाम स्क्विड गेम है, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, पहला अटैक करने वाला और दूसरा उसे रोकने वाला। इसमें रोकने वाला लाइन के अंदर अपने दोनों पैरों से भाग सकता है और अटैक करने वाला लाइन के बाहर एक पैर पर भाग सकता है, और अगर अटैक करने वाला रोकने वाले को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाता है तो अटैक करने वाले को दो पैरों पर चलने की छूट मिल जाती है, जिसे खुफिया इंस्पेक्टर कहते हैं। और जब आखिरी मुकाबला होता है तो खिलाड़ी स्क्विड के सर्कल पर खड़े होते हैं। जीतने के लिए अटैक करने वाले को स्क्विड के सिर के पास बनी एक सर्कल को अपने पैर से छूना पड़ता है। अगर रोकने वाला स्क्विड लाइन के बाहर कर दे तो मरे, मतलब हार गए, और अगर सर्कल के अंदर आ गए तो उसे चिल्लाना पड़ता है कि मैं जीत गया। और ये गेम कोई और नहीं बल्कि सियोंग जी ही बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलता था। सियोंग जी जो एक साधारण परिवार से था, उसकी माँ उसे पैसे देती है अपनी पोती को रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए, क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। इसलिए वो खुद जो भी कमाता है वो सारा पैसा जुए में उड़ा देता है। जब उसकी माँ वहाँ से चली जाती है तो वो किचन से अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुपचाप निकाल लेता है और एटीएम मशीन से पैसे निकालता है, पर जब वो अपना पिन कोड डालता है तो वो गलत बताता है। वो फिर से कोशिश करता है पर वो भी पिन गलत निकलता है, और उसके बाद आखिरी मौका रहता है पैसे निकालने का। अगर उसने गलत पिन डाला तो उसकी माँ का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, जिसके बाद वो फिर से कोशिश करता है और वो अब की बार अपनी बेटी का बर्थडे डेट डालता है जो आज की ही डेट होती है, जो सही निकलता है और उसका पैसा निकल आता है। पैसे निकाल कर वो सीधा जुआ खेलने जाता है। वो वहाँ पर जिस घोड़े पर पैसा लगाता है वो घोड़ा हार जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है। वो हार नहीं मानता है और फिर से एक नए घोड़े पर पैसे लगाने जाता है, जहाँ एक आदमी उसका दिमाग खराब कर देता है। वो नया घोड़ा चुनता है और अब की बार वो जिस घोड़े पर पैसे लगाता है वो घोड़ा जीत जाता है, जहाँ उसे जीती हुई रकम 45 लाख यौन मिलती है, जिसमें से एक नोट वो उस कैश काउंटर वाली को दे देता है। जब वो अपनी बेटी से बात करते करते क्लब से बाहर निकलता है तो उसे बाहर कुछ आदमी दिखते हैं, जिन्हें देख वो वापस अंदर भागता है। भागते वक्त वो अंदर एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ लिया जाता है। ये वो आदमी होते हैं जिनसे इसने कर्जा लिया था। वो सियोंग से अपना पैसा मांगते हैं, जहां सियोंग उसको सारा हिसाब देने की बात करता है, और जब वो जेब में अपना हाथ डालता है तो उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं निकलता है। तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो टकराया था उसने उसकी जेब काट दी। ये लोग उसे मारते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और एक पेपर पर अंगूठा लगाने को कहते हैं, जिसमें लिखा था अगर 30 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो उसकी किडनी बेचकर पैसा वसूलेंगे। जिनकी बात मानकर वो अपने खून से उस पेपर पर अंगूठा लगा देता है, और उनके जाते वक्त सियोंग उनसे फिर से पैसे उधार मांगता है। फिर वो कैश काउंटर पर आकर जो पैसा उसने उसे टिप दी थी उसे वापस मांगता है। वो पैसा लेकर गेम खेलने जाता है। वहाँ से वो गेम खेलकर अपनी बेटी के लिए गिफ्ट का जुगाड़ करता है, जो वो नहीं कर पाता है, तो उसकी मदद वहाँ पर खड़ा एक बच्चा करता है, जिसकी मदद से वो उस मशीन से अपनी बेटी के लिए गिफ्ट निकालता है। वो अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में डिनर कराता है तो उसकी बेटी की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है जो सूजा था, जिसे देख सियोंग छिपा लेता है और बहाना बनाता है। तो उसकी बेटी कहती है आप किसी से भी लड़िए पर मार खा के तो मत आइए। उसकी ये बात सुनकर सियोंग माफी मांगता है। वो बताता है मैं तुम्हें महंगा खाना खिलाना चाहता था। तो वो बताती है मैं अपने नए मम्मी पापा के साथ स्टिक हाउस गई थी। ये सुन वो उदास हो जाता है। तो उसकी बेटी कहती है मम्मी मुझे ये खाने को देती हैं और बताती हैं कि ये जंक फूड है। ये सुनकर वो हंसने लगता है। सियोंग उसे बर्थडे गिफ्ट देता है जिसे वो खोलती है तो उसमें एक गन निकलती है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं, और जब वो चलाती है तो उसमें से आग जलती है जो एक लाइटर निकलता है। तो सियोंग उसे अपने पास रख लेता है और कहता है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहती है आप इससे सिगरेट मत पीना। तो सियोंग प्रॉमिस करता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। उसके बाद सियोंग अपनी बेटी को उसके मम्मी पापा के पास छोड़ देता है, क्योंकि उसका तलाक हो चुका था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से वो अपनी माँ के पास रहती है। वो ट्रेन से सफर करने के लिए जाता है पर उसके पहुँचने से पहले ट्रेन चल देती है, तो वो वापस आकर स्टेशन पर बैठ जाता है। उसके पास एक व्यक्ति आता है और उसे एक बड़ा मौका देने की बात करता है। तो सियोंग अपने लाइटर से उसे डराकर वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहता है। इसलिए वो उसे एक खेल खेलने के लिए कहता है। तो वो अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाता है, जिसमें कुछ पैसे और दो लिफाफे रखे होते हैं जो नीला और लाल होते हैं।
होता है। वो एक एक दोनों लिफाफे देकर गेम खेलने को कहता है। तो वो आदमी कहता है, अगर मैं जीता तो हर बार मुझे 1,00,000 यौन देना पड़ेगा। सियोंग बहुत सोचने के बाद बोलता है, मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है, अगर तूने घपला किया तो मैं तुझे मार दूंगा। जिसके बाद गेम को वो पहले खेलता है, पर वो तांगजी को नहीं पलटा पाता है। फिर उसकी बारी आती है जहां वो तांगजी को पलटा देता है और अपना 1,00,000 यौन सियोंग से मांगता है। तो वो सोचने लगता है, तो वो कहता है आपकी बॉडी से भी काम चल सकता है, और उसे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है 1,00,000 यौन के बदले 1 थप्पड़। ये जानकर वो फिर से खेलता है, वो तांगजी को पलटा कर जीत जाता है और उसे थप्पड़ मारने चलता है। तो वो उसके हाथ में 1,00,000 यौन देकर उसे कांग्रेचुलेशन कहता है। तो वो उसे एक कार्ड देकर बोलता है, हमारे पास सीट बहुत कम बची है, मुझे कॉल जरूर करना, और चला जाता है। तो सियोंग अपने पैसों को देखता है, कहीं नकली तो नहीं। वो पैसे लेकर मछली खरीदता है। सियोंग मछली लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ को पैसे देता है। उसकी माँ उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है उसकी बेटी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए US जा रही है। ये बात सुनकर सियोंग को अपना वादा याद आता है जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था। ये बात सुन वो बहुत मायूस होता है और रात में अपनी बेटी की फोटो देखता है। तभी उसे कार्ड याद आता है जिस पर वो कॉल करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक जगह खड़ा होकर उनका वेट करता है। वो लोग एक गाड़ी में आते हैं जो रेड कलर की कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं और गाड़ी में बैठ जाता है। उसमें और बाकी लोग भी बैठे होते हैं जो सो रहे होते हैं। गेट बंद होते ही अंदर एक गैस छोड़ दी जाती है ताकि वो भी उन लोगों की तरह बेहोश हो जाए। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉल के अंदर पाता है जहां उसका नंबर 456 रहता है। वहां एक आदमी आता है जिसने मास्क लगा रखा था। वो वहां बैठे एक बुजुर्ग से बात करता है जो वहां के लोगों की गिनती कर रहा होता है। तो सियोंग उसे स्क्रीन पर दिखाता है जहां 456 कुल लोग रहते हैं जो नंबर सियोंग का रहता है, जहां सियोंग बताता है आपका तो 1 नंबर है। तभी सायरन बजता है और वहां पर रेड फ्रंटमैन आते हैं। यहां खड़े सभी लोगों को गेम के नियम बताए जाते हैं, जहां पता चलता है कि इन सबके साथ भी 1,00,000 वॉन का तागजी गेम खेला गया था, जो सब एक चाल थी इस गेम में लाने की। इन्होंने उन्हीं को निशाना बनाया जो परेशान और कर्जे में डूबे थे। तभी सियोंग इनाम की रकम पूछता है तो ऊपर एक बड़ा बॉल दिखाया जाता है और बताया जाता है हर गेम के बाद जीतने वाले की रकम इसमें जमा होती जाएगी और पहला गेम खत्म होने के बाद सबको रकम के बारे में बता दिया जाएगा। सभी खेल में हिस्सा लेने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जहां सबकी फोटो खींची जाती है, जहां सबकी फोटो ब्लैक फ्रंट मैन देख रहा होता है। सियोंग को वहां पर उस मछली बेचने वाली का बेटा सांग वू दिखता है। वो कहता है तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सही है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता है। इधर ब्लैक फ्रंट मैन गेम को चालू करने की जानकारी एक फोन पर किसी को देता है। इधर जब सभी लोग मैदान में पहुंच जाते हैं तब उन्हें गेम का नाम बताया जाता है जो पहला गेम होता है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट। वो बताती है जब ये गाना गाएगी तो आपको चलना है और जब गाना बंद करेगी तब आपको वहीं रुक जाना है, और अगर आप हिलते हुए पाए गए तो आपको इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा। गेम चालू होता है, सब भागते हैं। जब गाना बंद होता है तो उनमें से एक आदमी हिल जाता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। तो उसके शरीर से खून निकलता देख वो भागने लगता है। जहां उस आदमी को भागता देख वो उस गेम से बाहर कर देती है, जिसे सभी लोग देख लेते हैं। ये देख सभी भागने लगते हैं तो जो भी हिलता है उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इस गेम का नियम है गाना रुकने के बाद जो भी हिलेगा वो गेम से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब वो जान से मार दिया जाएगा। और वहाँ पर आए लगभग सभी लोग मार दिए जाते हैं और जो नहीं हिलता है वो बच जाता है। सबको मरता देख सियोंग बड़ी बुरी तरह से डर जाता है। तो सांग वू बताता है अगर हम एक जगह पर रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। डॉल हमारे मूवमेंट को सेंस कर लेती है, अगर हम किसी के पीछे रहेंगे तो बच सकते हैं। गेम चालू होने पर सांग वू यही करता है। इधर लाइन को सियोंग का दोस्त सांग वू पार कर लेता है पर सियोंग पीछे रह जाता है। जब गाना रुकता है तो सियोंग का पैर डेड बॉडी पर पड़ने से वो गिरने लगता है। तो पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और जब दोबारा चालू होता है तो वो लोग लाइन को पार कर लेते हैं, पर टाइम खत्म होते ही जो लाइन को नहीं पार कर पाते हैं वो मार दिए जाते हैं। गेम खत्म होता है तो सब ऊपर देखते हैं जहां गेट बंद हो रहा होता है, जिसे देखने पर पता चलता है कि ये गेम शहर से दूर पहाड़ियों के बीच में हो रहा था। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।